तो हे व्हाट्सएप भाई, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ कन्हैया, आप देख रहे हैं इनके एची एडिटर चैनल। इस चैनल में लेकर आ गया हूँ कि कुछ इस प्रकार से फोटो एडिट कैसे करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद कोई भी वीडियो लेना तो सबसे पहले आप तक चौंपेगा। तो देख सकते हैं मैं इस प्रकार से एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और मेरा फोटो देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लैक सा फोटो है और बैकग्राउंड भी डार्क है। तो मैं इसको इस प्रकार से एडिट कैसे करूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपने फ़ोटो को शेयर कर लेंगे स्नैप स्पीड के अंदर, और इस शेयर कर लेंगे स्नैप स्पीड के अंदर, टूल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे ड्रामा का ऑप्शन दिख रहा है, ड्रामा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ड्रामा पे, ठीक है मेरे भाई। ड्रामा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा मेरे भाई, देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको ब्राइटनेस 2 पे कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है फोटो के हिसाब से, ठीक है। और इस प्रकार से एडजस्ट करके यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद फिर से देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आप टूल्स पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ से टोन इमेज पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उस प्रकार से ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से आ जाएंगे हाईलाइट को इस प्रकार से माइनस प्लस करके देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतना पर कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये राइट कर देते हैं, राइट करने के बाद सदे बिफोर एंड आफ्टर, और फिर से टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्टिव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फोटो को जूम कर लेंगे जी, ठीक है। और जहाँ पर लाइट नहीं होगा वहाँ पर करके और इस प्रकार से छोटा कर लेंगे, ठीक है। इसको इसे छोटा करके रखिएगा तो जहाँ पर जितना प्रकार से रखिएगा उसी प्रकार से आपका लाइट बढ़ेगा। तो इस प्रकार से छोटा करके ब्राइटनेस को और इस प्रकार से बढ़ा लेना है, तो अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जहाँ जहाँ लाइट आपका कम होगा चेहरे पे वहाँ वहाँ इस प्रकार से एडजस्ट कर दीजिएगा। तो मैं इसी प्रकार से, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ। तो मैं थोड़ा वीडियो के स्पीड कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मेरा कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर दिया हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर लेना है नीचे, उसे करने के बाद टूल्स पे क्लिक करके क्रॉस पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से कलर चूज कर लेंगे और इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड को कलर इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, इस प्रकार से बैकग्राउंड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट कर देंगे, अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और व्यू एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करके ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद फोटो को जूम करना है, फोटो को जूम करने के बाद इस प्रकार से चलाना है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे 100 अगर होगा तो इसको बिल्कुल माइनस करके उसके बाद बढ़ चलाइएगा, ठीक है मेरे भाई। तभी इस प्रकार से आपका चेहरे पर कलर हटेगा, ठीक है। और चलिए तो वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए, इसलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रकार से मैं अपने चेहरे पर इस प्रकार से कलर को हटा दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से राइट कर देंगे, राइट करने के बाद बैक आ जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए मैं इस फोटो को अब शेयर करेंगे लाइटरूम के अंदर, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। मेरे चैनल पर इस पर आकर वीडियो डेली अपलोड होते रहता है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम के अंदर। तो लाइटरूम के अंदर शेयर करने के बाद ऊपर से एक नोटिफिकेशन गिरेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक कर लेंगे और देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फोटो मैंने शेयर कर लिया हूँ लाइटरूम के अंदर। और इसमें थोड़ा बैकग्राउंड को कलर थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ठीक है मेरे भाई, और अपने चेहरे पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ से लाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लैक को थोड़ा इस प्रकार से करना है और वाइट को इस प्रकार से कुछ करना है, इतना एडजस्ट करना है, ठीक है मेरे भाई। अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा आगे पीछे कर कर, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कलर पे और मिक्स पे क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से यहाँ इस वाले ब्रश पे आएंगे, ठीक है, इस वाले आइकन पे, और इस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और लेमिलेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे और फिर से इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, माइनस प्लस करके देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद नीचे वाले को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे
इसे करने के वाले बाद फिर से देख सकते हैं आप लोग बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा लाइट बढ़ चुका है। यहाँ से लास्ट वाले पे आएंगे, लास्ट वाले को पूरा फुल डिक्रेच कर देना है या प्लस करके देख लेना है, ठीक है मैं भाई। तो इसको फुल डिक्रेच ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से नीचे वाले लेमिनेंस को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। अब देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा लाइट आ चुका है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है एक नंबर पे और इसको सिचुएशन को इस प्रकार से एडजस्ट करना है, लेमिनेंस को इस प्रकार से, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करते रहिए। अब दो नंबर पे आएंगे, ठीक है मेरे भाई। दो नंबर को इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, ताकि चेहरा पर थोड़ा वाइट आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा करेंगे माइनस और नीचे वाले को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद अपने देख सकते हैं इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अपने फ़ोटो को जूम कर लेना है और इस प्रकार से थोड़ा सा कम कर लेंगे अपने फ़ोटो को, लाइट को, ठीक है। तो इस प्रकार से कम कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा लाइट आ चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद में यहाँ से स्क्रॉल करके, ठीक है, मास्किंग पे क्लिक करेंगे या यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे, फ़ोटो को जूम करके प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्लिक करके इसको पूरा फुल कर लेंगे, ठीक है। फुल करने के बाद में इस प्रकार से ब्रश चला देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर पर आ जाएंगे और कलर पे अपने हिसाब से इस प्रकार से कलर थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, ताकि होठ थोड़ा लाल हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद में यहाँ से राइट कर देना है। अब देख सकते हैं कुछ प्रकार से मेरा होठ थोड़ा रेड हो गया है, ठीक है मेरे भाई। तो अभी लास्ट तक देखिए वीडियो, तभी अच्छा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर आप शेयर कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो मैं इसे शेयर कर लिया हूँ ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेंसिल वाले में क्लिक करना है और इस ब्रश को चूज करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर के फर्स्ट वाले ब्रश लेना है, ठीक है मेरे भाई। और सेटिंग को देख लेना है इस प्रकार से। और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग को इस प्रकार से एडजस्ट करना है और यहाँ से स्मूथ कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। स्टैंडर्ड होगा तो स्मूथ कर देना है और सेटिंग को इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से, ठीक है। ब्रश को रखना है लेकिन सेटिंग को इस प्रकार से करना है, ठीक है। सेटिंग देख लीजिए मेरे भाई, तभी समझ पाएंगे। तो सेटिंग इस प्रकार से आपको यहाँ हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अपने हिसाब से सेटिंग एडजस्ट करने के बाद इस प्रकार से फ़ोटो चलाएंगे, ठीक है। फ़ोटो पर इस प्रकार से ब्रश चलाएंगे फेस पे, ताकि काफ़ी फेस स्मूथ अच्छा से हो, ठीक है मेरे भाई। तो देख सकते हैं मेरे यहाँ से फेस स्मूथ काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी मस्त फेस स्मूथ हो रहा है। चलिए मैं वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और अपने हिसाब से ब्रश चलाएंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोटो एडिट हो, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे तो अभी लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, ठीक है मेरे भाई। एक ही लेवल में फेस स्मूथ करेंगे। तो चलिए मेरा यहाँ पे कुछ ऊपर से हो चुका है। तो नीचे थोड़ा कम लाइट है, ऊपर ज़्यादा लाइट है, तो एक लेवल में करेंगे। यहाँ से लेयर ले लेंगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करके सॉफ्ट लाइट लेंगे, ठीक है मेरे भाई। और पेंसिल वाले आइकन पर जाएंगे, वाइट पहले ले लेंगे, ठीक है। पेंसिल वाले इसी पेंसिल को रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से सेटिंग को स्मूथ के क्लिक करके स्टैंडर्ड कर देना है और इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है ब्रश को और इस प्रकार से ब्रश चलाना है ताकि एक लेवल में आपका फेस स्मूथ हो चुके, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रश चला देंगे तो देख सकते हैं मेरे भाई कुछ ही प्रकार से एक ही लेवल में फेस स्मूथ हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो इसे शेयर कर लेंगे अपने गैलरी में। तो आपको दिखाऊंगा कि बिफोर का फोटो किस प्रकार से था और एंड आफ्टर किस प्रकार से एडिट हो चुका है मेरे भाई। तो आपको दिखाऊंगा, चलिए गैलरी में। तो देख सकते हैं बिफोर का फोटो एंड आफ्टर का दिखाता हूँ मैं भाई।
तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फेस स्मूथ हो चुका है मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का प्रेस कर लीजिए। थैंक यू मेरे भाई।